ओ राहुल बेटा आजा 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 केला खा ले। राहुल बेटा तेरी अच्छी बच्चा खा ले। शाबाश राहुल, हाथ दिखा दे, हाथ दिखा दे, ऊपर करो हाथ, हाथ ऊपर करो। केला पकड़, शाबाश। यह आवाज महज कोई आवाज ही नहीं, एक उम्मीद भी है जो बोरवेल में पिछले 65 घंटे से फंसे राहुल की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बोरवेल में गिरने के बाद एक कैमरा ही है जो राहुल के भीतर होने और उसके मूवमेंट को कैद कर देखने वालों को राहत दे रहा है। राहुल अपनी गतिविधियों से सुकून का एहसास करा रहा है। वहीं इस सुकून के पीछे की एक वजह यह भी है कि राहुल कुछ देर के अंतराल में केला खा रहा है, जूस पी रहा है, सेब खा रहा है। राहुल जैसा भी है, जिस भी हालात में है, वह चिंता का विषय तो है, लेकिन रेस्क्यू सफल होने तक राहुल को खाने के लिए मजबूर करने में एनडीआरएफ के जवान बी अनिल और कापसे एलबीआर के पांडा का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहां दो दिन से बोरवेल के आसपास तक यह मार्मिक आवाज गूंज रही है। भले ही एनडीआरएफ के जवान बी अनिल आंध्र प्रदेश से और कापसे एलबी महाराष्ट्र से है, लेकिन इन दोनों के द्वारा बोरवेल के बाहर कैमरे का ना सिर्फ वायर संभाल कर राहुल की हर गतिविधि को बाहर प्रदर्शित किया जा रहा है, बल्कि बोरवेल से पानी को निकाला जा रहा है। अभी तो आवाज लगा लगा कर वे दोनों राहुल तक केला जूस सहित अन्य सामग्रियां भी पहुंचा रहे हैं। लगभग 65 घंटे से अधिक समय से बी अनिल और कापसे एलबी बोरवेल के पास बैठे हैं। उनकी आंखें बोरवेल में फंसे राहुल को ताकते हुए लाल सी हो गई है, फिर भी वे कोशिश में लगे हैं। राहुल जब सो जाता है तो उन्हें किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही वह सोकर उठता है तो उन्हें खाने के लिए सामग्रियां देकर जोर जोर से आवाज लगाता है। राहुल इन दोनों की आवाज सुनकर सजग हो जाता और रस्सी में बांध कर दी गई खाद्य सामग्रियों को झपट लेता है। राहुल कभी केला खाता है तो कभी दूसरा फल। इसी बीच राहुल को कैमरे में आसानी से रिकॉर्ड भी कर लिया जाता है। खुद तक खाद्य सामग्रियां मिलने पर राहुल कम से कम भूखे पेट नहीं सोता, उन्हें खाने पीने का सामान मिल जाने से खाता है। लगातार ऑक्सीजन सप्लाई होने और कुछ खाने की वजह से ही राहुल 65 घंटे बाद हिम्मत नहीं हारा है, वह सुरक्षित है। बोरवेल के ऊपर से लगातार आवाज लगाकर राहुल को जगाने के साथ फल खिलाने में अनिल बी और कापसे एलबी बिना किसी संकोच के साथ अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। अनिल बी का कहना है कि हम सब की कोशिश है कि राहुल किसी तरह ऊपर आ जाए, इसके लिए कई बार रस्सी हाथ तक पहुंचाई गई, अलग अलग गतिविधियां अपनाई गई, मगर एक बार भी राहुल रस्सी नहीं पकड़ता, इसलिए राहुल को सुरक्षित निकाला नहीं जा पा रहा है। इसी तरह यहां एनडीआरएफ के विकास कुमार भी हैं, जो कैमरे के डिस्प्ले पर टकटकी लगाए हुए हैं, राहुल की हर गतिविधि की जानकारी देकर उसके सही सलामत होने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा राहुल के लिए हर प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। स्वजन की सलाह के साथ खाद्य सामग्रियां भी जा रही हैं। सुने ने बात कर लिए, हम नारियल उसी में गिराने के लिए बोल रहे हैं। बताओ कोई देवी शक्ति है, ऐसा कैसे होगा जी, जानबूझ के गलती करेंगे, नारियल गिराएंगे सर पे लग जाएगा। अरे क्या बताए, तुम बताओ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है। ओ राहुल बेटा आजा 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 केला खा ले। राहुल बेटा तेरी अच्छी बच्चा खा ले। शाबाश राहुल, हाथ दिखा दे, ऊपर करो हाथ, हाथ ऊपर करो। केला पकड़, शाबाश।